राणा दागुबाती और मिहिका बजाज 8 अगस्त को कर सकते हैं शादी। राणा और मिहिका की वेडिंग नहीं हुई है पोस्टपोन। वेल, कुछ समय पहले ऐसी न्यूज आई थी कि राणा दागुबाती और मिहिका बजाज की वेडिंग पैंडेमिक अफेक्ट की वजह से पोस्टपोन हो गई है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि राणा और मिहिका अगस्त में नहीं बल्कि दिसंबर में शादी करेंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि राणा और मिहिका प्लान के अकॉर्डिंग 8 अगस्त को ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। राणा दागुबाती's फादर सुरेश बाबू हैड अर्लियर कन्फर्म्ड इन एन इंटरव्यू दैट द वेडिंग विल हैपन इन हैदराबाद इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। He had also assured that all safety measures will be kept in mind during the celebration. Rana's father Suresh Babu had also announced that they have decided to go for an August wedding and the preparations have already begun. The families had initially decided to go for a December wedding. Lekin jab Rana aur Mihika ki family ne priest se consult kiya, to unhone August mein auspicious day nikala jiske liye dono families ready ho gayi. हालांकि शादी पोस्टपोन होने की कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई थी, लेकिन ये न्यूज थी कि राणा और मिहिका किसी भी तरह का हेल्थ रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वैसे राणा दागुबाती और मिहिका ने लॉकडाउन में ही रोका सेरेमनी करके अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था। रोका सेरेमनी को राणा के फैमिली स्टूडियो में ही किया गया था। राणा और मिहिका के रोका सेरेमनी की पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। Rana sported a handsome look wearing a white shirt and mundu, while Mihika looked pretty in a multicolored silk sari with a pink printed blouse. She teamed it up with a necklace and bangles, while left her hair in cascading curls. Well, Rana aur Mihika ki shaadi ki good news par unke fans kaafi khush hain. Aur ab ye saaf ho gaya hai ki tay mahurat ke hisab se hi Rana aur Mihika shaadi ke bandhan mein bandhenge. वैसे अभी भी फैमिली की तरफ से इस न्यूज़ पर ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आने का सबको इंतजार है।